अलग हुए, जब किरोड़ी लाल मीणा अलग हुए संगठन से, तब भी वे एक प्रभावी नेता के रूप में थे, प्रभावी जातीय नेता के रूप में थे और स्थानीय क्षत्रप के रूप में थे। बीजेपी के नेता शंभू सिंह खेता सर अभी पहुंचे हैं, सबकी नज़रें उधर ही हैं। मैं भी दरअसल यही देख रहा था कि कौन नेता पहुंचा है, क्योंकि एक गाड़ी पहुंची जिस पर आगे कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ था और शंभू सिंह खेता सर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है सरकार ने। शंभू सिंह खेता सर के आने से भी ये हलचलें किस तरह हो रही हैं, कौन कौन से पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, ये जैसे जैसे पार्टी के लोगों के पास ये सूचना पहुंच रही है वैसे वैसे यहाँ संख्याबल दर्शाने में भी शशिमोहन जी, लेकिन जिस तरीके से ये वापसी हो रही है और जिस तरीके से महत्वपूर्ण ये वापसी है, क्या अभी तक कोई जानकारी कि मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अभी तक उनको उनके पहुंचने को लेकर कोई जानकारी? चले देखिए चित्रा, अभी मुख्यमंत्री के पहुंचने की तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जरूर यहां पर पहुंच सकते हैं, थोड़ी देर में आएंगे। अभी शंभू सिंह खेता सर आए हैं, हम उनसे भी बात करके दरअसल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पास में किरोड़ी लाल मीणा की ज्वाइनिंग को लेकर के क्या समाचार है। उपचुनाव में पार्टी ने 17 की 17 विधानसभा सीटें हारी हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पार्टी में लाया गया या पहले से ही कयास थे? वो 17 उपचुनाव में जो सीटें हम लोग पहले जीत चुके थे और वापस वो नहीं आई है, वो कर रहे हैं, कुछ बात सुनते हैं। उनका फैक्टर दूसरा रहा है, उनका फैक्टर कोई मीणा फैक्टर नहीं रहा है, और जो मीणा बाहुल्य एरिया है ये भारतीय जनता पार्टी से अभिभूत रहे हैं, सदैव जुड़े रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो हम उनका स्वागत। अभी तक क्या जानकारी है, वो आ रहे हैं क्या किरोड़ी मीणा जी यहाँ आ रहे हैं और ज्वाइन करने वाले हैं? इस जोरों में आप भी यहाँ आए हैं, ये सब देख के तो क्या लगा? देखिए हमारे तो ये घर है, हमारे पार्टी का प्रधान कार्यालय है, मैं अब तीसरी बार आया हूँ पार्टी कार्यालय में आज के दिन, लेकिन मेरे से ज्यादा आप लोगों को जानकारी है अंदर की। शंभू सिंह जी, ऐसा माना जाता था पूर्वी राजस्थान में एक वक्त में किरोड़ी लाल मीणा ही बीजेपी है और बीजेपी ही किरोड़ी लाल मीणा है, क्या ये भी एक बड़ा कारण रहेगा उनको पार्टी से? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आदमी के पीछे कोई पार्टियां नहीं चलती है, पार्टी आदमी को बनाती है। किरोड़ी लाल मीणा भी मजबूत हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मजबूत हुए हैं, आज वो वापस अपने घर आ रहे हैं, सुबह का भूला शाम को घर आता है तो बहुत अच्छी बात है। की बीजेपी कर रही है क्या, घर वापसी हो रही है उनकी? हाँ, घर वापसी हो रही तो बहुत अच्छी बात है ना, सबको मिठाई खाने मिलेगी। नहीं, लेकिन पुष्टि आप कर रहे हैं बीजेपी की ओर से कि उनकी घर वापसी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ इस बात की पुष्टि करने के लिए, अभी आप देखिए क्या होता है चंद क्षणों में। जो आप मानते हैं कि बहुत कुछ साख पे और बहुत कुछ ताक पे रहेगा किरोड़ी लाल मीणा के पार्टी में आने के बाद में? निश्चित रूप से 1 से 2 और 2 से 4 निश्चित रूप से मजबूती देते हैं, और ये गणना आप सभी देखते हैं कुछ न कुछ नया रंग लाएगी। देखिए बिल्कुल है। तो आपने देखा चित्रा, शंभू सिंह खेता सर कह रहे हैं कि ये गणना रंग लाएगी, क्या समीकरण बैठते हैं, किस तरीके से काम होता है।